कटनी जिले के रीटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार रात करीब 8 बजे शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा मचाया, जिसका विरोध करने पर उक्त युवक ने रीटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पदस्थ बीएमओ डॉक्टर सुनील पाराशर से अभद्रता करते हुए मारपीट भी कर दी। जैसे ही अस्पताल के अन्य कर्मचारी बीच बचाव करने पहुँचे तो उनसे भी उलझने लगा एवं बीएमओ के टेबल पर रखे शासकीय कागजों को नुकसान पहुँचाते हुए कैमरे पर फेंक कर फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही रीटी पुलिस ने अपने स्टाफ के साथ आरोपी का पन्ना जिले के रेपुरा तक पीछा किया, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह डॉक्टर सुनील पाराशर अस्पताल के मरीजों का इलाज कर रहे थे, तभी रात्रि में करीब 8 बजे प्रमोद अहिरवार नामक युवक सीधे बीएमओ के पास पहुंचा और उनसे अपने शरीर के दर्द होने की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे बैठने को कहा, लेकिन बैठने की बजाय वह आग बबूला होकर डॉक्टर से अभद्रता करना शुरू कर दिया। वहीं टेबल पर रखे शासकीय कागजों को फेंकने लगा और गाली देते हुए धक्का मुक्की करते हुए हाथ मोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने सहित धारा 353, 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डॉक्टर अपने पाराशर साहब हैं सीएमओ रीठी में, उनके साथ वहीं रहने वाला प्रमोद है, झूमा झपटी अनायास मारपीट किया और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया, जिससे उसके खिलाफ थाना रीठी में अपराध क्रमांक 01 धारा 353 10 93 506 मामला कायम किया गया है। अभियुक्त फरार है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शुभ नाम सर, ये SI विजय मिश्रा थाना।